एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। अगर हम पर्वत और पहाड़ियों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से किस राज्य में वो पहाड़ियाँ आती हैं उसके बारे में हर कंपटीशन में आता रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पहले नंबर एक काराकोरम और कैलाश पहाड़ियाँ, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जो है भारत और चीन सीमा में पाई जाती हैं। और अगर हम पर्वत की बात करें तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आती हैं। अगर हिमालय पर्वत के हम चार हिस्से करते हैं तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये चार होते हैं पहाड़। तो उसमें जो ट्रांस हिमालय है वहाँ पर काराकोरम और कैलाश श्रेणी पाई जाती है। लद्दाख श्रेणी, ये भी भारत जम्मू कश्मीर सीमा पर पाई जाती है, ये भी ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। और अगर हम जास्कर श्रेणी की बात करें तो ये श्रेणी भी हमारे इसी क्रम में आती है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत, ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यानी ये जो पर्वत हैं काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और नंगा श्रेणी, नंगा पर्वत जो है, ये सभी भारत और वैसे जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में कामेत पर्वत है और नंदा देवी है। ये नंगा पर्वत है, ये नंदा देवी, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरांचल में पाए जाते हैं, कामेत और नंदा देवी। और हिमाचल प्रदेश में है हमारी धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो गुरु शिखर, ये राजस्थान का प्रमुख पर्वत है गुरु शिखर। ठीक है, और अगर हम अरावली का ही एक शाखा है गुरु शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी है और उसमें गुरु शिखर एक पर्वत क्रम है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? नेपाल में। ये नेपाल में है, भारत में नहीं है, नेपाल चीन की सीमा पर है। ये ध्यान रखना हमेशा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और चीन की सीमा पर। और गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? असम में और मेघालय राज्य में। इसकी कंडीशन कैसी है? ये हमारा भारत है तो ये गारो खासी और जयंती, इस तरह से तीन क्रम में सीधी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इन पहाड़ियों के मुख्य रूप से जो है ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। और जो गारो है ये सब जनजातियों के आधार पर भी इनका नामकरण पर्वत श्रेणी के आधार पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नागा पहाड़ी, ये कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। अरावली हमारी गुजरात से लेकर राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अगर अरावली की, अरावली गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली जाकर दिल्ली श्रेणी के रूप में ख़त्म होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है? जैसे मैंने कहा अरावली में है, गुरु शिखर है और वहीं पर सिरोही में माउंट आबू क्षेत्र है। ठीक, राजस्थान की श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है। महादेव और मैकाल श्रेणी, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल श्रेणी। राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये झारखंड में हैं। सतमाला पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिस सहाद्री जो पर्वत है उस क्रम में आती हैं सतमाला श्रेणियाँ, उसका ही एक पार्ट है। अजंता श्रेणी भी महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा गुफाएं प्रसिद्ध हैं, वो इन्हीं पहाड़ियों के अंतर्गत आती है, अजंता और एलोरा की गुफाएं, जहाँ पर जो है प्राचीन सभ्यताएं काफ़ी विकसित हुई थी और वहाँ पर जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनके अंदर एक कलाकारी की गई है, यानी वो पत्थरों को काट के उसकी संरचना में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर महेंद्रगिरी पर्वत की बात करें तो ये पर्वत श्रेणी वो है जहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्र जहाँ पर खनिजों की अधिकता है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये एक पर्यटन स्थल है। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु की सीमा पर है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, ध्यान रखना है, छोटा नागपठार झारखंड में है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में जो हमारी सबसे जो दक्षिणतम श्रेणी है वो अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो सह्याद्री और पूर्वी घाट के क्रम को जो है मिलाने का काम करती है, वो कहलाती है वही नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिणी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इसके नीचे एक और आता है कार्डेमम, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो है केरल में है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इनको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। छोटा नागपुटार कहाँ है? झारखंड में है।
नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार, ये बहुत आता है कंपटीशन में, कहाँ पर पाया जाता है? तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, और बघेलखंड का पठार केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी बुंदेलखंड का पठार जो है दो सीमाओं को कवर करता है, थोड़ा मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, जबकि बघेलखंड कहाँ है, सिर्फ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना पठार, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यानी नर्मदा नदी के दक्षिण में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का पठार है। और मैसूर पठार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। दोदा बेटा ये कहाँ है? ये केरल में, तमिल यानी और तमिलनाडु में। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो मैंने बताई समझाया था नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में, कि जो दक्षिण की बिंदु को मिलाने वाली पहाड़ियाँ यानी उत्तर और पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियाँ यानी सह्याद्री और पूर्वी घाट को जो मिलाती है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है, जो मैंने पहले बताया था अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, वो उसकी जो है सबसे ऊँची अनाईमुड़ी है। अब इलायची की पहाड़ियों की बात करें तो इलायची की पहाड़ी कहाँ पाई जाती हैं? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, जिसे मैंने कार्डेमम बताया था, वो इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पर है? दक्षिणी के बीच की सीमा पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डाफला पहाड़ी, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में है। लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में है। गार्डिमम आस्टेन चोटी जम्मू कश्मीर यानी केटू के नाम से भी जाना जाती है। और कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम को ध्यान रखना, ये सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है, ये और विशेष रूप से ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी।